हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस मावा बाटी। तो मावा बाटी बनाने के लिए हमें क्या लेना है वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक पैन, उसमें हम डालेंगे 2 कटोरी चीनी और इसमें हमें डालना है 1 कटोरी पानी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची और थोड़े से केसर के धागे। अब हम इसे मिक्स करके इसकी हमें एक चाशनी बनाकर रेडी करनी है। तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा, जितनी आपको शुगर सिरप बनाना है उतनी आप बना सकते हैं। तो चाशनी में एक तार आना स्टार्ट हो गया है, तो मैंने उसको बंद कर दिया है। अब ये मैंने लिया है फ्रेश मावा। तो ये यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। मावे को इस तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, मावे में जो भी लम्स होंगे वो आसानी से मिट जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 पिंच बेकिंग पाउडर और 50 ग्राम हमने इसमें मैदा ऐड किए। इस तरीके से हम हाथों की हेल्प से इसे इस तरीके से मसल कर इसका एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब हम मैंने यहाँ पर लिए थोड़े से काजू और बादाम और ली है मैंने यहाँ पर इलायची। अब हम इसका क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो मावे में से आधा डो या फिर थोड़ा सा डो हम एक साइड में निकाल लेंगे और इस तरीके से हम इसकी अंदर के लिए फिलिंग बनाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर या फिर केसर फूड कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप अंदर जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें से हम थोड़ी सी बॉल्स लेंगे इस तरीके से। दोनों की हमें बॉल्स बनानी है। सबसे पहले अंदर वाली फिलिंग जो हम इसमें भरेंगे उसकी छोटी बॉल्स बनानी है। इस तरीके से हम इसमें उंगली की हेल्प से छेद करेंगे और ये देखिए, एक अंगूठे से हमें इसे दबाना है अंदर की साइड में और दूसरे हाथ से आपको इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है। और ये देखिए, अंदर इस तरीके से हम इसे दबा दबा कर अच्छे से भर देंगे और अच्छे से हाथों से हमें इसे राउंड राउंड शेप में करके हमें इसे बिल्कुल गोल कर लेंगे और इसे दबा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी मावा बाटी बनकर रेडी है। इस तरीके से हम सभी मावा बाटी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अब हम लेंगे पैन, उसमें हमने घी को डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। घी या ऑयल आप जिसमें भी इसको फ्राई करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम एक डालकर देखेंगे, वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो उसके बाद में हम और को भी डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम एक एक करके सभी मावा बाटी ऑयल में डालकर या फिर घी में डालकर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे आप सबसे पहले एक तरफ से सेकिए, उसके बाद ये एक तरफ से सिक जाए उसके बाद आप इसे पलट दीजिए। दोनों साइड से आप इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आप इसे भून लीजिए। उतना आपको इसे फ्राई करना है। और एक बात का और आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए, हमारी मावा बाटी अच्छे से फ्राई हो गई है। इनका कलर बिल्कुल बादामी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सभी मावा बाटी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने शुगर सिरप बनाई थी वो हमारी ज़्यादा ठंडी भी नहीं हुई है, नॉर्मल है। उसमें हम मावा बाटी को डाल देंगे और इसमें हम 10 से 20 मिनट के लिए हम इसे शुगर सिरप में डालकर इसकी हम चाशनी को एब्जॉर्ब होने देंगे। तो ये देखिए, 10 से 20 मिनट मेरे ने इसको चाशनी में डालकर रखा है। हमारी मावा बाटी ने बिल्कुल चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये देखिए, मैं इसको आपको कट करके बताती हूँ अंदर से भी ये कितनी सॉफ्ट है, जूसी है।
ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा इसमें कलर, और हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसका कितना अच्छा, बहुत ही अच्छी आपको ये लगेगी। जब भी आप इसे बनाओगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करना ना भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे मावा बाटी की रेसिपी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।